जय हिंद, वेलकम टू लिखते पढ़ते। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर फोर्थ करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि पॉलिटी का, ठीक है, सोशल साइंस का। तो चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली इक्वलिटी की बात हुई है कि समाज में एक बॉय होने के और एक गर्ल होने के क्या क्या मायने हैं, या कैसे कैसे अपब्रिंगिंग होती है, कैसी पेडागॉजी है ना, कैसे जाने अनजाने में हम छोटे बच्चों को, बीट बॉय बीट गर्ल, उनको कैसे हम इस चीज़ में ढाल देते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है, या कैसे अपना लाइफ आगे जीनी है, या किस टाइप की एस्पिरेशंस रखनी है लाइफ से। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स आपको ऐसा लगता है क्या कि हर जगह एक जैसे ही होते हैं? मतलब जो रोल लड़का और लड़की का किसी एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, सेम रोल क्या दूसरी जगह भी होगा? तो ये चीज़ हम इस बुक में आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़का हो या लड़की, तो सोसाइटी उनको अपने आप वो चीज़ें सिखाती रहती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमारे एक्शंस में, हमारी बातों में, हमारे उनको ट्रीट करने के तरीके में, हम ये सारी चीज़ें उनको सिखा रहे होते हैं कि आपको कैसे रहना है, या सोसाइटी आपको कैसा देखना पसंद करेगी, या सोसाइटी में हमको किस टाइप से चीज़ों को आगे बढ़ाना है अपने जीवन को, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बहुत बारीक सा बोल सकते हैं ना, बहुत ही माइन्यूट एक ऐसा सिस्टम है जो जाने अनजाने में हम सिखा देते हैं उनको, ठीक है। कैसे हम ये चीज़ सिखा देते हैं कि जो वुमेन के रोल्स होंगे या जो मैन के रोल्स होंगे, किसके रोल को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, किसके काम को ज़्यादा वैल्यू हम दे रहे हैं, है ना। और मतलब ऐसा कि बहुत सारी सोसाइटी की वैल्यू अपन इस चैप्टर में आगे समझने वाले हैं कि कैसे हम देखते हैं। तो बुक में बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। एक यहाँ पे बात की हुई है समोअन आइसलैंड्स की, है ना। समोअन आइसलैंड कहाँ पे? छोटे से ग्रुप है स्मॉल आइसलैंड का, सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। तो 1920 के टाइम की बात ये बता रहे हैं ना, 1920s में वहाँ पे क्या सिनेरियो था, ठीक है। एक रिसर्च रिपोर्ट हुई वहाँ पे समोअन सोसाइटी के ऊपर, तो वहाँ पे पता चला चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते थे वहाँ के बच्चे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें वो घर पे ही, या मतलब अपनी सोसाइटी से ही सीखते थे, ठीक है। छोटे बच्चे जो है वो बड़े बच्चों से सीखते थे, ठीक है। वहाँ पे फिशिंग, मछली पकड़ना उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, ठीक है। और जो भी फिशिंग की, जो भी मतलब एक्सपेडिशंस पे दूर दूर तक निकल जाते थे, ये सारी चीज़ें अपने चाइल्डहुड के अलग अलग पॉइंट्स में कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो एज सून एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। मतलब जैसे ही बच्चा अपने पैरों पर चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी मम्मी या दूसरे बड़े लोग उनका ध्यान नहीं देते थे, है ना। उनका ध्यान देने के लिए कौन होते थे? उनसे बड़े बच्चे, है ना, जो मतलब कि 5-6 साल के बच्चे हुए ना, वो 2-3 साल के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अपने छोटे भाइयों की ध्यान देते थे, ठीक है। बट जैसे ही 9 साल के हुए, है ना, 9 ईयर ओल्ड हुए, वो बच्चे बड़े बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते थे, है ना। वो बाहर के काम सीखना स्टार्ट कर देते थे, जैसे कि मछली पकड़ना, कोकोनट नारियल के पेड़ लगाना, ठीक है। तो जो 9 साल के ऊपर के मेल बच्चे हुए, लड़के हुए, वो बाहर के कामों में लग गए, है ना। जो लड़कियां थीं वो अभी भी क्या कर रही हैं, वो छोटे बच्चों को अभी भी उनकी केयर कर रही हैं, है ना, जब तक कि वो टीनेज के नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही बच्चे टीनेज के हुए, है ना, तो उनको अब जैसे बच्चियां टीनेज की हुई, तो उनको बहुत फ्रीडम मिल गई, है ना। 14-15 साल की उम्र से लड़कियों को भी मछलियां पकड़ना सिखाने लगते हैं, फिशिंग ट्रिप्स में जाने लगती हैं, ठीक है, प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करने लगती हैं, बास्केट कैसे बनाना है, कुकिंग, ये सब चीज़ें लड़कियां सीखने लगती हैं, ठीक है। कुकिंग करने के लिए इस आइलैंड में, इस कम्युनिटी के लोगों के पास क्या स्पेशल कुकिंग हाउसेज होते थे, जहाँ पर मोस्टली काम लड़के करते, तो लड़कियाँ सिर्फ उनकी मदद करती थी। तो ये बात हुई समोअन आइसलैंड की। तो यहाँ पे मेनली हमको क्या समझ आया कि क्या सिस्टम है, पेरेंट्स बच्चों को बहुत ही कम उम्र में छोड़ देते हैं, छोड़ना मतलब उस पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, उन बच्चों से बड़े भाई बहन उनकी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं,
लड़कियों को भी इक्वल यहाँ पे राइट्स हैं, है ना। एक बार वो 14-15 साल की हुई तो वो भी वो सारे काम करती हैं जो यहाँ पे लड़के करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जेंडर बेस्ड बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इनकी सोसाइटी में। अब एक दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। मध्य प्रदेश में 1960s के दशक में क्या सिनेरियो था ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 6th क्लास के बाद से ही लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना। जो गर्ल्स का स्कूल है वो बहुत अलग तरीके से डिजाइंड होता था बॉयज के स्कूल से, है ना। जो लड़कियों का स्कूल होता है उसमें क्या होता है, स्कूल के अंदर एक प्लेग्राउंड होता है ना, चारों तरफ से जो पैक होता है ना, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है, बाहर की दुनिया से ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं हो। तो गर्ल्स स्कूल का ऐसा सीनैरियो है ना, मतलब सब कुछ बाउंड्री वॉल के अंदर ही उनको सारी जो भी एक्सपोजर है सिर्फ वही मिल रहा है ना। बल्कि लड़कों का प्लेग्राउंड क्या होता है, स्कूल के आसपास कहीं भी खाली जगह पड़ी है जो, या ओपन में कहीं भी बच्चे वहां पे बढ़िया खेल सकते हैं, ठीक है। जब स्कूल खत्म होता है तो आप ये सीन बहुत रोडों पे देख पाएंगे कि लड़कियां एक ग्रुप में, मतलब 4, 5, 6 लोग के ग्रुप में अपना वॉक करके सीधे घर जा रही होती हैं रोडों से। जबकि लड़कों का क्या होता है कि वो मतलब वहां से निकल रहे हैं, कुछ साइकिल उछका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ खड़े हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, इधर उधर कुछ खा पी रहे हैं। वेरेज अगर अपन लड़कियों को देखेंगे तो वो क्या कर रही हैं, वो 4, 5 के, 6 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में, या पूरे पूरे क्लास के ग्रुप में सीधे, मतलब गली का इस्तेमाल लड़के किस लिए कर रहे हैं, लड़के वहां पे सीधे मतलब हर कुछ कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे मर्जी वो उस हिसाब से वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं। बट लड़कियों के लिए रोड का क्या मतलब था कि वो एक रास्ता है जहां से सीधे उनको घर जाना है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ग्रुप्स में क्यों चल रहे हैं, ताकि उनको कोई इस टाइप का हमेशा खतरा रहता है मध्य प्रदेश या मोस्टली सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के एरियाज में, कि उनको टीजिंग हो सकती है या किसी तरीके का हमला हो सकता है। तो ऑलवेज दे प्रेफर टू मूव इन ग्रुप्स, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद हमको क्या समझ आया, समोअन आइसलैंड में एकदम अलग सिचुएशन है, मध्य प्रदेश के अंदर एकदम अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो इससे क्लियर हुआ कि हर अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से, हर अलग अलग जगह के हिसाब से लोगों की अपब्रिंगिंग में, लड़के और लड़कियों के रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत डिफरेंस है ना। कहीं पे उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, कहीं उनको उतना एम्पावर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन और आगे समझते हैं। अब एक चीज हमको ये समझ आई कि हम ये समझते हैं कि जो भी सोसाइटीज हैं, है ना, वो बचपन से लड़के और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन डिस्टिंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, बहुत बचपन की एज से। आप एग्जांपल के लिए समझिए कि जब कोई लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको लड़के को खिलौने में हम कार देते हैं, गन देते हैं, है ना, इस टाइप की चीजें देते हैं, ठीक है। वेयर एज लड़कियों को आप नोटिस करना, आप उनको कैसे खिलौने देते हैं, हम उनको डॉल्स देते हैं, है ना, या टेडीज देते हैं। तो ये एक हम इनडायरेक्टली इतनी छोटी सी उम्र में उनके दिमाग में बिठा रहे हैं कि आपका फ्यूचर इस टाइप का होने वाला है ना। मतलब देखो, खिलौने तो दोनों हैं, मतलब कार और गन भी खिलौना है, डॉल भी खिलौना है, टेडी भी खिलौना है ना। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी लड़के को आप एक ऐसा टेडी दे रहे हो और वो उसके साथ थोड़ा मतलब उसके साथ ऐसा कि हम उसमें भी क्या करते हैं कि कुछ दिक्कत हुई तो बोले इसको मारो टेडी को, है ना, आपको चोट लगी इसको मारो, ठीक है। तो हम बच्चों को मतलब वो खिलौना अगर दे भी रहे हैं तो उसमें भी उनसे क्या बोल रहे हैं कि उसको मारो, या एक मेल डोमिनेंस हम उनको सिखा रहे हैं। वेयर एज हम लड़कियों को डॉल्स के साथ भी क्या गेम बोलते हैं खेलने के लिए कि इसको तैयार करो, इनकी मतलब गुड्डा गुड्डी की शादियां करवाती हैं छोटी छोटी बच्चियां, है ना। तो उनको कहीं ना कहीं हम कंस्ट्रक्टिव तरीके की चीजें सिखा रहे हैं, उनको हम चीजों को बहुत एक मैनर में रखने की चीजें सिखा रहे हैं। वेयर एज हम बॉयज को क्या सिखा रहे हैं कि दिक्कत हुई इसको मारो, इसको पीटो, पटक दो, है ना। तो ये हमारे ये मतलब कितने जाने अनजाने में हम कैसे उनको एक की वे ऑफ लाइफ, उनको कैसे लीड करना है हम वो सिखा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। हम लड़कों को कभी ये नहीं सिखाएंगे उनको कैसे ड्रेस करना है या कैसा गेम खेलना है, उनको जो मर्जी वो करते हैं। वेयर एज लड़कियों को हम हर समय ये चीज के लिए ध्यान देते रहते हैं ना, कि उनको कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करनी है, कितनी टोन में, कितनी आवाज में उनसे बात करनी है, ये सारी चीजें हम उनको बहुत छोटे से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और
मतलब कि अब इससे क्या होता है, हमने ऐसी अपब्रिंगिंग करी तो अल्टीमेटली आप देखना कि दोनों के चॉइस ऑफ कोर्सेज में भी बहुत डिफरेंस होता है ना। लड़के एक मैनहुड वाली चीज़ें प्रेफर करते हैं, वैसे कोर्सेज करते हैं, वेरे लड़कियां कैसे कोर्सेज करती हैं मोस्टली। मैं ये बहुत मतलब ये जो बुक में लिखा वही बता रहा हूँ, है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो वो वैसे कोर्सेज चूज करती हैं। मैं बहुत मतलब ये बहुत चीज़ आप नोटिस करना, मोस्टली लड़कियाँ होम साइंस लेती हैं, नर्सिंग करती हैं, है ना। तो एक कहीं ना कहीं वो एक मतलब सॉफ्टनेस वाली चीज़ें प्रेफर करती हैं, वेरे लड़के कैसे कामों को, कैसे कोर्सेज को प्रेफर करते हैं, वो इंजीनियरिंग ले रहे हैं, है ना, वो और भी वेरियस अदर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट तो ये सब हम बहुत छोटे से ही हमारी सोसाइटी उनको सिखाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्या होता है, या इवन हमारी सोसाइटीज़ में ही, हम मैन और वुमेन के काम को इक्वल वैल्यू कभी नहीं करते हैं, है ना। मतलब अगर सेम काम कोई मेल कर रहा है तो उस चीज़ को एक वैल्यू मिलती है, उसको वैल्यूज देते हैं, वेरेस सेम काम अगर कोई लेडी कर रही है तो हम उसको उस हिसाब से वैल्यू नहीं करते हैं। ये आप बहुत बहुत कॉमन है, हर जगह ये चीज़ मौजूद है, आप कहीं भी ये चीज़ नोटिस कर लेना। सेम काम सेम नंबर ऑफ आवर्स के लिए मैन को ज़्यादा पे किया जाता है, सेम वर्क सेम नंबर ऑफ आवर्स के लिए वुमेन्स को कहीं उससे कम पेमेंट मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको तो हम लोग कभी वैल्यू ही नहीं करते हैं। आगे एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छा सा पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो एक बच्ची अपनी मम्मी से बोलती है कि कल हम लोग स्कूल में एक्सकर्सन के लिए जा रहे हैं, एक्सकर्सन के लिए तो रोजी मैम को वॉलेंटियर चाहिए, तो आप चल सकते हो क्या, ऑफिस से छुट्टी ले लो, है ना। तो बोलती है कि हरमीत की मम्मी हमेशा आती हैं क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती हैं। तो ये सोनाली लड़की का नाम है, तो सोनाली की मम्मी उसको बोलती है, सोनाली तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठती हैं, है ना, घर के सारे काम करती हैं। तो सोनाली बोलती है बट वो कोई रियल काम नहीं होता, वो तो घर का काम है। तो उनने बोलती है कि ठीक है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये कि घर का काम की कोई वैल्यू नहीं है, चलो हम जसमीत आंटी से ही पूछते हैं। तो वो सब उनके घर पहुंच जाते हैं, है ना। तो हरसिमरन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट वर्किंग पर्सन। तो वो उसके हस्बैंड से बोलती हैं जसप्रीत के, हरसिमरन, कि यार मेरे बच्चों को लगता है कि तुम्हारी वाइफ कुछ काम नहीं करती है। तो जसप्रीत का लड़का ही बोलता है कि हाँ सही बात तो है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, कुछ काम नहीं करती हैं। तो सोनाली की मम्मी उनको बोलती हैं कि जसप्रीत ऐसा करो कि तुम एक दिन की छुट्टी लो, है ना, कल पूरा दिन तुम कुछ काम नहीं करोगी, तो अपने आप चीज़ों को वैल्यू सबको पता चल जाएगी, ठीक है। तो उनके बच्चे खुश होते हैं, चलो ठीक है कल हम पूरा काम करेंगे। सुबह उठते से ही सारा सिनेरियो गड़बड़ होने लगता है ना। इनको सर को हरसिमरन का क्या नाम है, हरसरन, तो हरसरन जी को ऑफिस जाना है, उनका ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ, उनके कपड़े नहीं मिल रहे हैं जगह पे, है ना। इनको बोलती है तो उनकी वाइफ तो बोलती है मैं तो आज स्ट्राइक में हूँ, तुमको जो करना हो करो, तब तक बाहर बस आ जाती है, बच्चे अभी ब्रश ही कर रहे हैं, बहुत परेशान, पानी गर्म पानी के लिए मतलब पानी नहीं आ रहा, पंप नहीं चालू किया किसी ने, बच्चों ने लंच भी नहीं हुआ, है ना, ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं और लंच भी नहीं रख पाए कुछ। फिर बोलते कोई बात नहीं तुमको पैसे दे दूंगा, है ना। अब ये शाम को जब वापस घर आते हैं सर हरसरन जी, तो जब वो घर आते हैं बोलते हैं मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, एक चाय हो जाए तो मज़ा आ जाए, पर फिर याद आता है कि अरे आज तो हड़ताल चल रही है। घर में देखा तो पूरा तबाही मची पड़ी थी, सब चीज़ फैली हुई। तो वो बोलती हैं मैडम कि तुमको क्या लग रहा था कि घर आओगे तो वैसे ही घर मिलेगा, दिन भर में बच्चों ने घर का तहस नहस कर दिया, ठीक है। अब वो बोलते चाय बनाने गए थे, उनको चाय पत्ती भी नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के ये सब, फिर वो मनी मन सोचते, वो बोलती हैं कि अभी तो तुमको ये भी बताना था कि चाचा और चाची भी आ रहे हैं डिनर के लिए, है ना। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हमको ये समझ आया कि जिन कामों को हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, है ना, जिनको हम हाउस वर्क समझते हैं, या जो घर के काम जिनको हम कहते हैं टू बी प्रिसाइज, तो उनको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं समझते हैं, बट वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक डेली हमारी बाकियों की लाइफ प्रॉपर स्मूथ चलती रहे उसके लिए ये काम कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो हरमीत की फैमिली थी, है ना, उनको लगता था कि जो भी जसप्रीत जी जो भी काम कर रही हैं, है ना, उनकी मम्मी जो भी काम करती हूँ, कोई रियल वर्क नहीं था, है ना। तो ये कोई सिर्फ उनके फैमिली की बात नहीं है, है ना, पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक मतलब हाउस वर्क और केयर गिविंग टास्क को ना, जैसे कि घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना, बीमार का ध्यान रखना, ये सारे काम वुमेन के हिस्से बांध दिए जाते हैं,
है ना, ये अंडरस्टूड होता है कि ये सारे काम तो घर की महिला ही करेगी। हमको ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, है ना, या उनको नेचुरली होता है वुमेन्स में ये, और इसीलिए हम उनके उन कामों की डी वैल्यू करते हैं, है ना। हम उनको उतना कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब उतना उन चीज़ को अपन कभी एडमायर नहीं करते हैं कि ठीक है ये सारा काम भी वो करती हैं और ये भी एक काम होता है। इसी के अब हम आगे समझते हैं कि इससे भी एक आगे थोड़ा सा और परेशान एक प्रजाति है जिसका नाम है डोमेस्टिक वर्कर्स, है ना। डोमेस्टिक वर्कर्स कौन, जो हमारे घर में छोटे मोटे काम कर, छोटे मोटे क्या मेजर काम करने के लिए जो घर पे बाइयाँ आती हैं, है ना। तो अब हरमीत की मदर जो थी, अब आप समझिए ऊपर जो हमने कहानी पढ़ी हरमीत वाली, तो उसमें उसकी मदर अकेली नहीं थी जो घर का काम करती थी, है ना, बहुत सारा काम उनकी मंगला करती थी। मंगला उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी, ठीक है। तो बहुत सारे सिटीज़ और टाउन्स में ये बहुत ज़्यादा कल्चर चलता है कि घर के बहुत सारे कामों के लिए हम डोमेस्टिक वर्कर अपॉइंट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि घर पे झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन कपड़े धुलना, खाना बनाना, बच्चों की देखरेख करना, बड़ों की देखरेख करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, अधिकतर डोमेस्टिक वर्कर कौन होती हैं, वुमेन्स होती हैं, या कभी कभी कम उम्र के लड़के और लड़कियाँ भी इस कामों में लगाए जाते हैं। इस काम के जो वेजेस होते हैं, इसकी जो सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वर्क्स को हम इतना ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं करते हैं। ऑल्दो उनकी लाइफ बहुत ही मतलब अजीब सी होती है, बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, सुबह 5 बजे उठ के, कभी कभी रात के 12 बजे जाके सोना होता है उनका, ठीक है। तो इतने सब के बाद भी, है ना, उनको कभी भी उनका जो एम्प्लॉयर है, जो उनको काम पे रखता है, कभी उनको इस चीज़ के लिए कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, है ना, कभी उनको उस चीज़ के लिए मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये ऐसा लगता है कि ठीक है ये काम है और इनका काम है, ये करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेलानी नाम की एक डोमेस्टिक वर्कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो बोलती कि मेरी पहली जॉब दिल्ली में थी, है ना। दिल्ली में एक बहुत रिच फैमिली थी जिनका 3 स्टोरी घर था, है ना, 3 मंजिला घर था। और बोल रही जो मेम साहिब थी वो बहुत स्ट्रेंज नेचर की थी, है ना, मतलब बहुत अजीब सी थी, कभी भी किसी चीज़ के लिए चिल्ला देना, है ना। ये बताती कि इसका काम किचन में था, यहाँ पे 2 लड़कियाँ और थी उनके घर में जो साफ सफाई का काम करती थी। तो ये बता रही इनका काम सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता था इनका दिन, है ना, ब्रेकफास्ट, ये सुबह 5 बजे से काम स्टार्ट हो गया और इनको खुद को ब्रेकफास्ट के लिए चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी, ठीक है। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, बोलती थी कि हम कभी, हमको तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। शाम को जब ये खाना बनाती थी मेलनी, तो ये जो बाकी 2 लड़कियां उससे बोलती थी कि हमें और रोटी दे दो, तो ये चुपचाप अपनी मेम साहब से छिपा के इनको और रोटियां दे देती थी, ठीक है, पूरा दिन काम करने के बाद। अच्छा एक चीज़ और होती है, घर पे लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे, है ना, तो ठंड में जो फर्श होती है बहुत ठंडी हो जाती है, इनके पैर सूज जाते थे, ठीक है। अब इनको भी समझ नहीं आता था कि भाई, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, गुस्सा, डरे हुए भी रहते थे और गुस्सा भी रहते थे। इनको लगता था क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते क्या, हमको भी तो अच्छे से ट्रीट करना, हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बताते हैं कि हम जिनको हाउस वर्क बोलते हैं, बेसिकली ये आप समझिए कि हम जिन कामों को घर के काम बोलते हैं या जिनको हम ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, उन कामों में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, है ना। आप रूरल या अर्बन किसी भी वुमेन की कंडीशन देखिए, ठीक है, गाँव में देखिए मोस्टली पानी लाने का काम कौन, वुमेन्स कर रही हैं, ठीक है। घरों में जो भी मतलब आग जलाने के, खाना बनाने के लिए जो आग, फायरवुड्स, जो भी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, ये सारी लड़कियाँ ढोके लाती हैं। कपड़े धुलना, क्लीन करना, पोछा लगाना, सामान को उठा के इधर से उधर रखना, इन सबों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फिजिकल वर्क लगता है। कभी झुकना है, कभी कोई चीज़ उठाना है, कभी उठा के कहीं और ले जाना है। कुकिंग में काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है ना, गर्म स्टोव के सामने, ठीक है। तो ये मतलब कि आप समझिए बहुत फिजिकली डिमांडिंग ये सारे काम होते हैं, है ना। बट हमारे सोसाइटी में क्या है कि जो भी ऐसे काम जिनमें फिजिकल मतलब फिजिकल लेबर चाहिए, तो वो हम मेंस से एसोसिएट करते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि ये काम मोस्टली मेंस करते हैं। बट आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये जितने भी घर के काम होते हैं, ये भी तो बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, है ना। बट इन चीज़ों को कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। एक और आस्पेक्ट होता है हाउस वर्क्स का कि वो केयर गिविंग के काम करते हैं, है ना, जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। कैसे कि भाई वो पूरा दिन उनको वहाँ पे देना पड़ता है, है ना, और पूरा पूरा दिन वो वहाँ पे दे रहे हैं, उसके बाद भी इनको उस चीज़ के लिए कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, है ना। आप कभी भी देखिएगा किसी भी सोसाइटी में चले जाइए या किसी भी टाइम पीरियड में चले जाइए,
तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि फीमेल्स के पूरे कामों में लेजर का टाइम बहुत कम होता है ना, एंजॉयमेंट का लेजर का टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वेयर एज मैन अपना काम करके आए उसके बाद उनका पूरा टाइम लेजर का होता है। तो अभी तक की जितना भी हमने डिस्कशन किया उससे हमको क्या समझ आया कि ये जो भी सिस्टम है ये किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक फैमिली या किसी एक घर का इशू नहीं है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे सोसाइटी में हैं, है ना, हर जगह ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, हर जगह हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना, हमारे छोटे छोटे एक्शंस में ये चीज़ें मतलब हैं कि ऐसे ही होता है, ये जो वाला जो हमारा स्टैंड है मतलब अंडरस्टूड कुछ चीज़ें हम मान के चलते हैं, वुमेन्स के काम को कभी इतना ज़्यादा हम रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि बहुत एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना, ये बहुत बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है, तो इसको डील करने के लिए भी सिर्फ ऐसा नहीं कि एक घर के स्तर पर हम इनको सही कर पाएंगे, है ना, इसके लिए गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैसे कि भाई अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इक्वालिटी पे, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी भी काम के लिए हम कभी भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब मेल या फीमेल ये कभी भी रीज़न नहीं होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ठीक है, बट रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कमिटेड है कि भाई ये रीजंस को समझे और उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स ऐसे ले कि इन चीज़ों को हम समाज से हटा सकें, है ना। तो कुछ गवर्नमेंट ने ले चुकी हैं, कुछ अभी फर्दर और रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों को लेने के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये आंगनबाड़ी, ये एक पिक्चर है मध्य प्रदेश के एक आंगनबाड़ी केंद्र का, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है आप समझिए कि जब अगर क्योंकि अगर महिलाओं के ऊपर घर की जिम्मेदारी है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि छोटी बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हुई उसके बाद उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई तो वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगी, उनका एजुकेशन में पीछे रह जाएंगी, है ना, बहुत सारी महिलाएं उनको बच्चों को संभालना है तो वो बाहर कुछ काम नहीं कर पाएंगी, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ आंगनबाड़ी सेटअप किए, चाइल्ड केयर सेंटर्स बहुत सारे विलेज में इन्होंने सेटअप किए, है ना। तो ये एक छोटी छोटी कुछ ऐसे काम है गवर्नमेंट के जो एक उम्मीद की रेखा हमको दिखाते हैं कि ठीक है ये चीज़ें नियर फ्यूचर में इनको हम और अच्छे से सही कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें एक चीज़ समझिए आप, जैसे हमने जो एग्जांपल पढ़ा था जिसमें वो शालिनी क्या नाम था वो लड़की का, ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा था है ना, सोनाली, तो सोनाली की मम्मी के ऊपर तो आप समझिए डबल बर्डन है। डबल बर्डन कैसे कि ऑफिस भी जाती हैं, है ना, मतलब पहले वो दिन भर ऑफिस में काम किया उन्होंने, फिर घर आके उनको घर के भी बेसिक काम जो हम सोचते हैं कि नेचुरली फीमेल का ही काम है तो उनको वो भी करने पड़ते हैं। तो आप समझिए मोस्टली केसेस में क्या होता है कि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा डबल बर्डन आ जाता है ना, मतलब अगर अब अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए उनको काम करना है बट काम करने के साथ बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे फैमिलीज बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं होती हैं, है ना, जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो उस चीज़ को बोलते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है, बट अगर काम कर रहे हैं तो उसके साथ उनको घर की भी पूरी देख रेख करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वुमेन्स बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी का शिकार होती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा, जितनी भी केस स्टडीज हमने देखी, जितनी भी कंडीशंस हमने समझी कि मतलब एक ही समाज में एक ही जगह पे एक मेल और एक फीमेल के लिए कंडीशंस हमेशा अलग होती हैं, है ना। हमें लगता है कि बहुत इक्वालिटी हमने हासिल कर ली है, महिलाएं आजकल हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बड़े बड़े पदों को संभाल रही हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ना, बहुत कुछ से मेरा मतलब कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है। और ये एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल बेसिस पे या सिर्फ गवर्नमेंट, है ना, इसके लिए पैरेलल अप्रोच चाहिए, है ना, कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे भी वो चीज़ अप्लाई हो, गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत सारे प्रयास आगे बढ़ाए, है ना। तो ये क्योंकि ये कोई बहुत ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इन चीज़ों की, है ना। आप समझिए आपने तो सबकॉन्शियस माइंड में मतलब छोटा सा बच्चा है उसके दिमाग में डाल दिया कि भाई लड़के को कार से खेलना है और लड़की को डॉल से खेलना है, तो ये जब चीज़ें इतनी गहरी हैं, इनकी रूट्स इतनी गहरी हैं, है ना, तो इन चीज़ों को बहुत पेशेंस से बहुत टैक्टफुली और बहुत प्लानिंग प्लैंड वे में इन चीज़ों को समाज से हटाना पड़ेगा। तो
तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि क्लास चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का ही, क्लास 7 का अपन अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट यूट्यूब हमको थोड़ा सा प्रमोट करे और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।